हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा माँ से रिलेटेड कुछ बातें, क्योंकि मैं माँ के लिए माँ के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि माँ ने हमें बॉर्न किया है, जन्म दिया है, माँ ने आपको भी जन्म दिया है। शायद आज माँ नहीं होती, मैं आपके सामने इस समय बोल नहीं पाता हूँ और शायद आप इस समय मुझे देख नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं माँ से रिलेटेड कुछ आपके सामने बातें करूँगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है दोस्तों, हु इज मदर, माँ कौन है। मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट इज बेनिफिट मदर, माँ हमारे लिए दुनिया में क्यों महत्व है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट मदर, गिव मी नॉलेज इन चाइल्डहुड, माँ हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें क्या शिक्षा देती है, क्या पढ़ाती है। दोस्तों, इस बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। हम वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं मदर इज़ वेरी ग्रेटेस्ट पर्सन, माँ एक महान व्यक्ति है जो माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मदर गिव मी मोर बेसिक नॉलेज इन चाइल्डहुड, मदर हमें बचपन में कई प्रकार की नॉलेज देती थी। जैसे एग्जांपल तौर पे ले लीजिए, हाउ टू रिस्पेक्ट ए लीडर्स, हमें बड़ों का कैसा सम्मान आदर देना चाहिए। हाउ टू ईट, हम कैसे खाएं, हाउ टू रीड, हम कैसे पढ़े, हाउ टू स्लीप, कैसे हम सोए, हाउ टू वीप, कैसे हम सोए। तो दोस्तों, मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज इन चाइल्डहुड, माँ हमें बचपन में कई प्रकार की नॉलेज देती थी। बट माँ बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए मजदूरी करती है, यहाँ तक कि उनके लिए पैसा अर्न करती है ताकि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। अपने माँ अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर कमाइयाँ करते हैं, दुख झेलती है, बट उनके बच्चे उनके क्या रिजल्ट देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, उनके साथ नहीं रहते, उनके ध्यान नहीं रहते बड़े होने के बाद। दोस्तों, आप इस वीडियो में मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि माँ एक बहुत अनमोल चीज़ है। माँ एक बहुत अनमोल चीज़ है, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मदर इज़ वेरी स्ट्रगल, माँ एक महान व्यक्ति, बहुत संघर्ष व्यक्ति है, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं। समझो माँ गॉड है, समझो माँ एक गॉड है। दोस्तों, आप थिंकिंग करो, जब हम बचपन में छोटे से थे, हम रोते थे तो माँ हमें कभी कभी लोरिया गाकर सुनाती थी। जब हम बचपन में थे, लैटरिंग कर देते थे तो माँ हमारे लैटरिंग को भी साफ करती थी। जब हम छोटे थे, माँ हमें अपनी कलेसी का दूध पिलाती थी। जब हम बारिश में छोटे छोटे कहीं भीग जाते थे तो माँ हमें अपने आंचल में छुपा लेती थी। दोस्तों, आई थिंकिंग करो, माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है। माँ हमारे लिए बहुत से दुखों को झेलती है जीवन में, बट हम माँ को क्या रिजल्ट देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, उनके ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, जिस दिन आप आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट मदर, मैं भी नहीं जानता माँ की कैसे कदर किया जाए, बट इतना जानता हूँ माँ ने मुझे पैदा किया है। और माँ ने, जिस दिन आप जान जाओगे माँ ने आपको पैदा किया है, तो उस दिन आप माँ की कदर करना जान जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको एक बुजुर्ग की, एक लड़की की कहानी सुना देता हूँ, बस 2 मिनट की। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से सवाल किया, क्या मैं अपने माँ के लिए सात बार हज करा दूँ, क्या मैं अपने माँ के लिए माँ को इंग्लैंड घुमा दूँ, क्या मैं अपने माँ को अमेरिका घुमा दूँ, क्या मैं अपने माँ के लिए हर चीज़ ओला दूँ जो माँ को चाहिए, क्या मैं माँ का कर्ज अदा कर पाऊँगा। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे नादान, जिस समय तू पैदा हो रहा था उसकी 1 मिनट की दर्द को तू उतने से चीज़ में अदा नहीं कर पाएगा अपनी माँ का, तो पूरी ज़िंदगी की बात मत कर। तो दोस्तों, माँ का कर्ज बहुत बड़ा होता है, हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे देंगे तब भी पर अदा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना बोलूँगा। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कुछ 2 लाइनें माँ के लिए कहना चाहता हूँ, करोगे माँ की खिदमत तो जन्नत में जाओगे, करोगे माँ की खिदमत तो जन्नत में जाओगे, वरना माँ को सताओगे तो चैन कहीं नहीं पाओगे, माँ को जो सताओगे
चैन कह नहीं पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप अपने माँ से लव करते हैं कि नहीं, आप अपने माँ से प्यार करते हैं कि नहीं।